उसी को साथ ले जाना होगा। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हें लेना होगा? दोनों वैक्सीन के दो दो डोजेस दिए जाएंगे। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का, तो वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्तों का फासला रहेगा। क्या दोनों डोजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दोनों डोजेस के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर वैक्सीन कौन सी है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं, इसीलिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर हैं। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूं अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहां कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। मुझे पहले कोरोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूं। क्या अभी भी मुझको वैक्सीन की जरूरत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रीइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हों तब भी वैक्सीन लगवाएं। किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन ना लगवाएं। मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया, दूसरा कोविशील्ड का लगवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप पहला डोज जिस भी वैक्सीन का लगवा रहे हैं दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाएं। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है। शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके लक्षण दिख सकते हैं? जिस जगह वैक्सीन लगाई गई वहां हल्का दर्द, सिर दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ति जरूर बढ़ा देती है। वैक्सीन से पीरियड्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियड्स एक पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है, वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन की कीमत कितनी है? सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे। तो उम्मीद है वैक्सीनेशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं।